एक बार फिर से आ रहा है महाकुंभ। कहने का मतलब सेफ चैंपियनशिप 2023। और नेपाल के पास है पिछली सारी गलतियों को हल करने का मौका, या फिर ऐसे कहें कि पिछली गलतियों को सुधार कर एक बड़ा इतिहास रचने का मौका। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सेफ चैंपियनशिप को लेकर। और पिछली साल जिस तरह से यहाँ पे नेपाल फाइनल में जाकर कहीं ना कहीं लड़खड़ाया था, उन गलतियों के ऊपर नेपाल के फुटबॉल कोच अब्दुल अलमुतारी का बयान आया है। और अब ये मैच कब होंगे ये भी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रुप ए के अंदर कौन सी टीमें हैं, बी के अंदर कौन सी टीमें हैं, नेपाल के मैच किस किस डेट को होने वाले हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार नेपाल ने आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद सेफ चैंपियनशिप से एक कदम पीछे रह गया था। कहीं ना कहीं उस मैच के अंदर जब कहा गया था कि नेपाल का कोच बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि इंडिया का कोच भी किसी रीजन की वजह से बाहर था, जिसकी वजह से यहाँ पे निकाल दिया गया था। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि इंडिया का कोच गया था गलती से, और नेपाल के कोच को सिर्फ इस वजह से बाहर निकाल दिया था क्योंकि इंडिया का कोच साथ नहीं था, और इस वजह से कहीं ना कहीं नेपाल को हार का सामना करना पड़ा था और नेपाल चैंपियनशिप से चूक गया था। लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं करनी है, अब की बार स्ट्रेटेजी और होने वाली है। अब्दुल अलमुतारी ने कहा है कि पिछली बार जो भी हुआ उसको भूलकर हम नई तैयारी के ऊपर जुटे हैं। सिर्फ एक चीज याद रखी है कि पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था वैसा अब की बार नहीं होने देंगे, और अब की बार बहुत अच्छे से करके फाइनल को जीत कर नेपाल को सेफ चैंपियनशिप 2023 का किंग बनाएंगे। जिस तरह से क्रिकेट अच्छा चल रहा है, फुटबॉल भी उतना ही अच्छा चलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसको होस्ट करने वाला है इंडिया, और ये यहां पे शुरू होने वाला है 21 जून से। फाइनल खेला जाएगा 4 जुलाई को। अब मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप्स और बी ग्रुप्स। बी ग्रुप्स में पहले टीम जान लेते हैं, लेबनान, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश, ये बी ग्रुप्स की टीमें हैं। और अब की बार ए ग्रुप के अंदर रखा गया है इंडिया को, जो कि होस्ट कर रहा है यहाँ पे, और कुवैत को, इसके साथ साथ नेपाल को और फिर पाकिस्तान को। अब बात करें दोस्तों, यहां से दोनों ग्रुपों से दो दो टीमें निकलेंगी जो कि पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर होंगी, और चार टीमें जाकर क्वालिफाई करेंगी 1 जुलाई को। ग्रुप ए का ए टीम और बी की बी टीम, उसके साथ साथ ग्रुप बी की बी टीम और ग्रुप ए की ए टीम, यानी कि इससे जाएगा फाइनल, और फाइनल के अंदर 4 जुलाई को डिसीजन निकलेगा कि कौन जीतने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि नेपाल के मैच कब कब हैं और किस किस के साथ हैं। इसके साथ साथ ग्रुप ए के पूरे मैच ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिन, या अगर ऐसे कहें कि जिस दिन सेफ चैंपियनशिप स्टार्ट होगी उस समय ही नेपाल का मैच है 21 जून को, कुवैत वर्सेज नेपाल, और ये मैच यहाँ पे 3:30 बजे शुरू होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे उसी दिन इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होने वाला है। 22 जून को जो मैच होने वाला है वो है लेबनान वर्सेज बांग्लादेश, जो कि बी ग्रुप के हैं, और मालदीव्स वर्सेज भूटान। अब 24 जून को पाकिस्तान वर्सेज कुवैत का होगा, और दूसरा मैच होगा नेपाल वर्सेज इंडिया, जो कि यहां पे काफी ज्यादा रोमांचक मैच रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार फाइनल के अंदर नेपाल वर्सेज इंडिया ही भिड़े थे, और किसी रीजन की वजह से, वो जो भी हुआ उसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद 25 जून को दो मैच फिर होने वाले हैं, ये ग्रुप बी के हैं। 27 जून को होने वाला है नेपाल वर्सेज पाकिस्तान, ये भी भयंकर मैच रहने वाला है। इसके साथ साथ दूसरा मैच होने वाला है इंडिया वर्सेज कुवैत का। इसके बाद 28 तारीख को फिर से यहां पे बी ग्रुप के मैच होने वाले हैं, और यहां से कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आएगी, दो दो टीमें जो पॉइंट्स टेबल के अंदर ऊपर होगी उनको यहाँ पे जगह मिलने वाली है, क्वालिफाई करेंगी और सेमीफाइनल के अंदर। सेमीफाइनल के अंदर ये चार टीमें भिड़ेंगी, जिसके अंदर आपको बिल्कुल नजर आएगा नेपाल की टीम, और इसके साथ साथ इंडिया भी। और यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि पिछले इधर वाले ग्रुप के अंदर जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं है इससे। 4 जुलाई को खेला जाएगा फाइनल, और फाइनल अब की बार उठाना है नेपाल को किसी भी हाल में। अब्दुल अलमुतारी ने कहा है कि अब की बार हमारा टारगेट एक ही होगा कि किसी भी तरह से फाइनल को उठाया जाए, किसी भी तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट की जाए, क्योंकि नेपाल इस साल काफी ज्यादा रिदम के अंदर लग रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा सहयोग किया है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के अंदर। नेपाल की गवर्नमेंट जानती है कि अगर स्पोर्ट्स को आगे ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं
हम उस डील तक पहुंच सकते हैं, उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं जहां पर एक विकसित कंट्री होनी चाहिए, या फिर हम कहें कि युवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब की बार नेपाल सेफ चैंपियनशिप का किंग बनेगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के दिन रखते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।